पहले में एज कम्पेयर टू पहले और अब में क्या डिफरेंस लगता है? अब में मुझे लग रहा है कि मेरा बीपी अब नॉर्मल है और जो नसें बंद थी वो अब नॉर्मल लग रही है। अब बैक पेन भी नहीं है और हाथों पैरों में जो झंझानी थी वो भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, फिर लेने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब न्यूरोथेरेपी विद नवीन में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जो ऑडियंस आपको देख रही है, थोड़ा सा आप मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दीजिएगा और थोड़ा सा बताइएगा आपको किस किस चीज का प्रॉब्लम चल रहा था। मैं डॉक्टर एम एफ एस डेंटिस्ट इंदौर यूपी से हूँ और मुझे काफी लंबे समय से बैक पेन चल रहा था, जिसके लिए मैं इंजेक्शन दवाइयाँ बहुत सारी यूज कर लेता था बट कुछ समय के लिए रिलीफ मिल जाता था, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम आ जाती थी। बहुत लंबे समय से मैं परेशान था, फिर उसके बाद मैंने आपका वीडियो देखा कि आप विदाउट मेडिसिन थेरेपी करते हैं, तो तब मुझे मैं आपके पास आया तो आपने मुझे थेरेपी दी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलीफ मिला। बल्कि अब तो कुछ समय से ऐसा हो रहा था कि हाथ पांव भी सूज होने लगे थे, लेकिन जब से मैंने थेरेपी ली मुझे अच्छा लगा, ऐसा लगा कि अब वहीं से खुल गई है और एक नई एनर्जी महसूस हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक लंबा सांस, इजी एक लंबा सांस छोड़ेंगे, एक लंबा सांस छोड़ेंगे।
फिर अभी आपने जब ये न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लिया है उसके बाद अभी आज आपका लास्ट सेशन है ट्वेल्थ वाला सेशन, तो जैसे सर आपको इस वक्त जो ऑडियंस देख रही है अगर मान लीजिए वो इस तरीके की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि उनको इस ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए? जी हाँ बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि जो भी लोग परेशान हैं उनको एक बार नवे सर के पास आना चाहिए। और मान लो अगर आपको भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, अगर आपको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, या जैसे आपने सुना होगा कि आपकी नस दब गई है, इस तरीके का अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या एब्डोमिनल प्रॉब्लम है, नेवल डिस्प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है, तो अगर आपको इनफर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो ये नंबर हमारा डिस्प्ले पर रिवील हो रहा है ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी हमें कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपने कॉल किया है इनकेस अगर कॉल रिसीव नहीं होता है तो 24 आवर्स के अंदर आपको कॉल बैक हो जाएगी। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हम इस पर अपडेट डालते रहते हैं। अगर आपको भी इस तरीके का सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और हमारे वीडियो को लाइक भी करिएगा, कमेंट करिएगा, इवन शेयर करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और इसी तरीके से हमें अप्रिशिएट करते रहिएगा। तो थैंक यू।